Yes, students, today we are going to start our next chapter 16th, accounting for bill of exchange. देखो बच्चे, accounting for bill of exchange जो chapter है, इसमें होता क्या है, हम जो bills हैं, ठीक है ना, जो आप कभी भी किसी की दुकान पे सामान जो है वो उधार पे लेते हो, ठीक है, when your goods purchased on credit, ठीक है, जब आप गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे लेते हो, उधार पे लेते हो सामान को, ठीक है, तो वो पर्सन अगर आपसे रिटर्न में लिखवा के कोई प्रूफ ले ले, रिटर्न में, ठीक है, लिखवा ले कि इन फ्यूचर आप मेरे पैसे दोगे, ठीक है ना, तो वो रिटर्न जो प्रूफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा है, गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट, ठीक है, गुड्स हम कैश पे भी बेचते हैं, क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं, ठीक है, इट कैन इन कैश ट्रांजेक्शन सेलर गेट द पेमेंट इमीडिएटली, ठीक है, कैश पे तो उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं, बट व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब वो उधार पे बेचता है, द बायर प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, ठीक है, वो प्रॉमिस करता है, जो हमारा बायर होता है खरीदने वाला, वो प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा इतने टाइम के बाद, ठीक है, एक क्रेडिट पीरियड जो होता है वो एग्रीड होता है, एग्रीड का मतलब जो बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई, जो बायर होता है वो कहता है कि मैं आपको इतने 3 महीने बाद दूंगा, सैलर कहता है ओके मुझे नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो दोनों मान जाती हैं, द बायर में मेक रिटर्न प्रॉमिस, ठीक है, जब बायर यही प्रॉमिस लिखित में देता है, रिटर्न में देता है, इन दैट केस इट मे बी आइदर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है और प्रोमिसरी नोट, ठीक है, इसको दो रूप में लिया जाता है, इसके टू टाइप्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है पर, ठीक है। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में ना जो पर्सन होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं और प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक होता है आपका ड्रॉअर, एक होता है आपका ड्रॉई और एक होता है आपका पे, ठीक है। ड्रॉअर कौन होता है, बिल्कुल लिखने वाला, जो लिखता है बिल्कुल। अब देखो जो पर्सन आपको बायर है ना, वो बिल्कुल नहीं जानता, आपको नहीं पता कौन है वो, ठीक है, तो हमें उस पर्सन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, हम क्या करेंगे, खुद लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है, और उसके सिर्फ सिग्नेचर करवा लेंगे, वो नीचे सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, हम खुद लिखेंगे कि जो मिस्टर बी है यहाँ पे ना, हम लिखेंगे जैसे हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, हम लिखेंगे मिस्टर बी, नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मंथ्स आफ्टर मिस्टर बी पे टू मिस्टर ए अमाउंटेड टू ₹50,000, ओनली वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओनली वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3 महीने बाद, ये कंडीशन है, 3 महीने बाद हमें वो पैसे देने आएगा, ठीक है, आज की डेट लिख लो, आज कितनी तारीख है, 18 अगस्त 2020, ठीक है, 18 अगस्त 2020 को उसने प्रॉमिस किया है कि पूरे 3 महीने बाद, उसने अब एक टर्म रखी है कि मैंने पूरे 3 महीने बाद आऊँगा और आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है, मिस्टर बी को पे रुपी, मिस्टर बी पे करेगा टू मिस्टर ए को, कितने पैसे, 50,000 रुपये, ठीक है, वैल्यू रिसीव्ड का मतलब किसे मिलेगी, मिस्टर ए को मिलेगी, तो मिस्टर ए के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है, और मिस्टर बी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, मिस्टर बी कौन है, एक्सेप्टर है, ठीक है, वो एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इन फ्यूचर आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है, जब तक मिस्टर बी एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा, ठीक है, मिस्टर ए तो अपने आप से बना सकता है, ठीक है ना, वो तो कहे कि ना जी ना, मैं तो आपसे बात नहीं मानता, ऐसे आप तो बोल के चले जा रहे हो, ठीक है ना, पर मुझे तो आप रिटर्न में दो, ठीक है। अब देखो मिस्टर ए ने ना लिख के रख लिया, पर मिस्टर बी ने साइन नहीं किया, कहता ना जी मैं नहीं साइन करता, क्यों, क्योंकि इसके दिमाग में इसके इंटेंशन प्योर नहीं थी, ठीक है, इसको पहले ही लग रहा था कि मैं इसे धोखा देने वाला हूँ, मैं इसे पैसे नहीं देने वाला, ठीक है, तो इसने सिग्नेचर ही नहीं किया, तो कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा, ठीक है, जैसे ही बी ने सिग्नेचर कर दिए ये क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो होते हैं 3 पार्टीज, पर इसमें 2 ही होती हैं, इसमें जो प्रॉमिस करने वाला है, जो मिस्टर बी है, वो खुद बिल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो यहाँ पे लिखेगा 3 मंथ्स आफ्टर मिस्टर बी पेस टू मिस्टर ए
अमाउंट ऑफ 2 rupees 55 ओनली, और यहाँ पे वो खुद अपने सिग्नेचर कर देगा मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए के सिग्नेचर की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोमिसरी नोट होता है ये प्रॉमिस होता है, ठीक है ना। इसे पता है जो मिस्टर जो ड्रॉअर है, ड्रॉई है, इसे पता है कि मैंने पैसे देने हैं, और ड्रॉअर जो है उसे भी पता है कि ये पैसे आ जाएंगे, मरते नहीं मेरे पैसे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये थोड़ा सा फेथफुल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज फेथफुल नहीं होता, ठीक है। बोथ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दोनों ही लीगल हैं। अगर ये नहीं पैसे दे के जाता, ये नहीं दे के जाता, 3 महीने के बाद आप कहाँ चले जाओगे, कोर्ट में चले जाओगे, ठीक है। तो इसको कहाँ पे लिखा जाता है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग टू इनकी प्रोविजंस कौन सी अप्लाई की जाती हैं, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। अब देखो नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फुली ट्रांसफरेबल हैं, ठीक है। फुली ट्रांसफरेबल का मतलब आप इनको किसी और को भी दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ठीक है ना, वो मिस्टर ए के पास है, वो मिस्टर ए मिस्टर सी को दे सकता है, मिस्टर सी मिस्टर डी को दे सकता है, जितने मर्जी लोगों को आप आगे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू कर सकते हो, ठीक है। तो ये फुली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, ठीक है, ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, सेक्शन 5 में इसकी डेफिनेशन है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग होती है, ठीक है, लिखित में होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। ऐसे नहीं कहा जाता कभी भी कि 3 महीने बाद मैं आपको ना तब देने आऊँगा पैसे अगर मुझे इतने की सेल हो गई, ठीक है, या फिर अगर उस महीने कोई कभी बारिश हुई, ठीक है, या फिर जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसने कोई शर्त नहीं रखी, हम कोई शर्त नहीं मानेंगे, ठीक है। हमें तो बस पूरा जो पैसा है ये टर्म होती है, शर्त होती है कि मैंने तो भाई 3 महीने बाद पैसे बोले थे और 3 महीने बाद पैसे लेके आ जाओ, कंडीशन नहीं कोई भी रखनी हमने, ठीक है। साइंड बाय द मेकर, जिसमें मेकर के साइन होंगे, जो बनाएगा, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, जिसमें कुछ एक पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा कि ये पर्सन मुझे पैसे देगा, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, एक तो ये होते हैं टर्मिनल, ठीक है, जिसमें कुछ क्या होती हैं, टर्म्स लिखी जाती हैं, ठीक है, ठीके? और एक होते हैं ये ऑर्डरली, ऑर्डरली या फिर ऑन डिमांड, ठीक है, और एट साइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उसमें ना इनको इनकी डेट्स नहीं मेंशन होंगी आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि आज कितनी तारीख है, 18 अगस्त 2020 है, ठीक है, तो आज 18 अगस्त 2020 को आप 3 महीने बाद जी मुझे पैसे आके दे जाना है, ठीक है। अब 3 महीने बाद कितनी डेट आएगी, 18 नवंबर 2020 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टर्म रखी है, ठीक है, पर अगर आपका क्वेश्चन होगा टू द ऑर्डर और ऑन डिमांड और एट साइट, वहाँ पे आपको ये डेट मेंशन नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे आपको जैसे ही ऑर्डर मिलेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो कभी भी मंगवा सकता है, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, ठीक है। अ सर्टन पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखो बियरर का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, फुली ट्रांसफरेबल, आप अपना जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसी और को दे सकते हो, ठीक है। तो जिस पर्सन के पास भी वो होगा, वो क्या होगा, बियरर, उसे बियर करने वाला, उसे सहन करने वाला, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है उससे दिया जाएगा वो पैसा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था, हमने क्या लिखा था, 3 months after मिस्टर बी पेज टू मिस्टर ए, ठीक है। अब हम इसे क्या दे रहे हैं, मिस्टर बी को डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने पैसे किसको देने हैं, मिस्टर ए को, कब देने हैं, 3 months after, रुपीज़ कितने देने हैं, 50,000, ठीक है। और वैल्यू रिसीव्ड जिसको भी होगी वो यहाँ पे साइन करेगा, किसको वैल्यू रिसीव होगी, मिस्टर ए को, मिस्टर ए यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा आपने, ठीक है। और कहते इट मीन्स दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाई पर्सन डायरेक्टेड अनदर पर्सन, जिसमें डायरेक्ट किया जाता है, पे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द बियर of the instrument or specified person, the person so director order must accept it, ठीक है। जिसको भी हम direct करते हैं, order देते हैं, उसके द्वारा ये accept किया जाना चाहिए, ये must है, ज़रूरी है। अगर वो accept नहीं करता तो bill of exchange नहीं बनेगा, ठीक है। Look,
यहाँ पे लिखा है लुक एट द फॉलोइंग स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन केस श्री रॉबर्ट जो बैनर्जी हैं ड्रॉज अ बिल। ठीक है, अब देखो बैनर्जी जो हैं वो बिल ड्रॉ कर रही हैं, तो वो कौन है? सेलर हैं, बेचने वाले हैं। ठीक है, बिल ऑन श्री किसके ऊपर? एन एन दत्त गुप्ता के ऊपर। ठीक है, दत्ता गुप्ता जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर बन रहा है, तो वो कौन है? ड्रॉई हैं। ड्रॉई मीन्स वो कौन है? बायर हैं, वो खरीद रहे हैं सामान। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स का बिल 50,000 पे एबल टू श्री राजीव शंकर। ठीक है, ये आपने देना किसको है? श्री राजीव शंकर को देना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना एक बात समझाती हूँ, इसको समझो, आगे जाके हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आएंगे। ठीक है, अब देखो एक मिस्टर ए है, ठीक है, वो बेचने वाला है सामान, सेलर है। ठीक है, उसकी ये शॉप है। ठीक है, उसके ऊपर मिस्टर बी उसके पास आया, उसे कहा कि मुझे 50,000 रुपये का सामान दे दो सर आप, ठीक है, मैं ना आपको 3 महीने बाद ये पैसे दे दूंगा। वो कहता है नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आप मुझे 3 महीने बाद पैसे दोगे, मैं रिटर्न में आपसे लिखवा के ले लेता हूँ, आप आ जाना, मुझे पैसे दे जाना और बिल ले जाना। वो कहता है ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया बी ने, और इसने बिल साथ के साथ ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ करते ही इसने बिल के ऊपर बी ने सिग्नेचर कर दिए, और बिल किसको पकड़ा दिया? जो सेलर है उसे। वैसे क्या होता है, नॉर्मली बिल बायर के पास चला जाता है, पैसे सेलर के पास आ जाते हैं, पर अब बिल तो हम तब देंगे ना जब हमारे पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो ये बिल क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। बिल जिसके पास जाना चाहिए था बायर के पास, उसके पास से उठ के ये किसके पास चला गया है? सेलर के पास ही चला गया है। ठीक है, तो इसने बिल अपने पास रख लिया, कहता चलो ठीक है, मैं लिखित में आपके पास एक नोट रख लिया है मैंने। ठीक है, ये नोट जो होता है ये क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है, स्टाम्प पेपर के ऊपर बनाया जाता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये लिख के रखवा लिया मेरे से। ठीक है, अब क्या हुआ, इस जो मिस्टर ए है इसे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब ये जो मिस्टर बी है ये तो पूरे 3 महीने बाद आएगा, फिर पैसे दे के जाएगा। ठीक है, पर अब इसे जो मिस्टर बी है इसे आज, ये जो सॉरी मिस्टर ए है इसे आज ही पैसे की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये ना अपने फ्रेंड के पास गया, मिस्टर सी के पास। मिस्टर सी को कहता है कि मिस्टर सी, मेरे फ्रेंड, मुझे ना पैसे की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 50,000 रुपया दे सकते हो? वो कहता मैं दे तो दूँ, पर तुम कब मुझे पैसे वापस करोगे? जब उसने पर कहा, वो कहता नो प्रॉब्लम, और उसका फ्रेंड मिस्टर ए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, मैं आपको वो दे देता हूँ, आप ऐसे करो मुझे 50,000 रुपया दे दो, और ना मिस्टर बी से भी मैंने पैसे लेने हैं, वो 3 महीने बाद आएगा और तुम्हें 50,000 रुपया दे जाएगा, बात ख़त्म होगी। ठीक है, तो उसका फ्रेंड कहता ओके 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 नो प्रॉब्लम, कहता तुम ऐसे करो पैसे ले जाओ मेरे से और मुझे वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो। अब देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है एट प्रेजेंट वो किसके पास पड़ा है? मिस्टर सी के पास पड़ा है। ठीक है, मिस्टर बी पैसे किसे देगा? मिस्टर सी को देगा। ठीक है, मिस्टर ए को नहीं देगा। ठीक है, तो इस केस में बियरर कौन है? बियरर मिस्टर सी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने बताया था कि इसमें 3 पार्टीज होती हैं, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पे। ठीक है, ड्रॉअर का मतलब कौन है? जो बिल ड्रॉ करेगा, जो हमेशा ही कौन होगा आपका? सेलर होगा, बेचने वाला होगा। ठीक है, और पे जो है वो सेलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि हमारे केस में मिस्टर ए कौन है? ड्रॉअर है, और मिस्टर सी कौन है? पे ही है। पैसे दिए किसे जा रहे हैं? मिस्टर सी को दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है ड्रॉई, ड्रॉई कौन होगा? बायर ही होगा हमेशा ही। ठीक है, तो आपको पता चल गया है इस केस में भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, मिस्टर जो श्री रॉबर्ट बैनर्जी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कौन है? ड्रॉअर हैं, वो सेलर हैं। ठीक है, वो बेचेंगे सामान को। ठीक है, और जो एन दत्त गुप्ता हैं, ठीक है, वो कौन है? वो बायर हैं। ठीक है, वो कौन होंगे? ड्रॉई। ड्रॉई हमेशा क्या करेगा? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, मिस्टर रॉबर्ट को ना पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, और वो किसके पास चला गया? श्री राजीव के पास चला गया। राजीव ने उसे पैसे दे दिए होंगे। ठीक है, और अब जो एनएन दत्त गुप्ता है वो पैसे किसे देगा? श्री राजीव जी को देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो आज की डेट कौन सी है, 15 मार्च 2018 न्यू दिल्ली में ये बिल बना हुआ है,
पैसे कितने हैं 50,000। ये देखो स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाया जाता है, स्टैम्प लगी हुई है, ठीक है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे श्री राजीव शंकर को पैसे देने हैं और ऑर्डर द सम ऑफ 50। इसमें हमेशा ये वर्ड और ऑर्डर लिखा होता है, और ऑर्डर का मतलब जिसके पास भी ये बिल होगा उसे देने पड़ेंगे आपको पैसे इन फ्यूचर, ठीक है। 50,000 रुपी ओनली वैल्यू रिसीव्ड, वैल्यू रिसीव्ड का मतलब कितने पैसे लिए जाएंगे, ये इसके सिग्नेचर हो जाएंगे नीचे ड्रॉअर के, ठीक है। और यहाँ पे श्री NN दत्त गुप्ता ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, उसने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए कि मैं मानता हूँ मैं आपके इन फ्यूचर पैसे दे दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आपको क्या लिखा हुआ है, ऑन सच एन एक्सेप्टेंस बिंग रिटर्न ऑन द बिल इट बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्टेंस आएगी ये क्या बन चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है। इन द अबव एग्जाम्पल श्री रायबोर्ड बैनर्जी इज द ड्रॉअर है, ठीक है, वो बिन बना रहे हैं ऑफ द बिल। श्री NN दत्त गुप्ता इज एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर पैसे दूंगा, किसे दूंगा, श्री राजीव शंकरा को दे दूंगा, ठीक है। श्री NN दत्त गुप्ता विल पे द अमाउंट श्री राजीव शंकर को वो दे देंगे, ठीक है। कब देंगे, 3 महीने बाद। नॉर्मली ड्रॉअर इट्सेल्फ इज द पे, ठीक है। नॉर्मली जो आपका सेलर होगा वही पे होगा, ठीक है, बट इन केस उसे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़गी तब वो किसी और के पास जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ड्रॉअर और पे मे बी द सेम पर्सन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ड्रॉअर और पे सेम पर्सन सकते हैं, ड्रॉ नहीं होगा कभी भी सेम, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न ऑर्डर है, रिटर्न में लिखा हुआ मिलेगा हमेशा ही आपको, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोर्ट में जाना है तो आपके पास रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नॉर्मली आप लोगों की दुकानों में जाते हो, दुकान से आपने सामान खरीद लिया, उधार दिए दिया, उधार ले लिया, पैसे दिए नहीं, तो वो क्या करते हैं अपना ना एक शीट पे या फिर एक ना उस पे रजिस्टर पे रख के लिख लेते हैं, ठीक है ना। ना तो उनके पास कोई प्रूफ होता है कि उसने उन्होंने आपको बिल दिया है ना, आपने कहीं पे उनके सिग्नेचर करके रखे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कोर्ट में नहीं ले जा सकते कभी भी आपको, ठीक है ना, वैसे जो मर्जी धमकी देते रहे। नेक्स्ट उसके बाद है इट इज़ ड्रॉन और साइन बाय मेकर, ठीक है। लिखा किसके द्वारा जाएगा, ड्रॉअर के द्वारा, मेकर के द्वारा, और सिग्नेचर भी ड्रॉअर के ही होंगे। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ड्रॉई टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, द ड्रॉई मस्ट एक्सेप्टेड टू मेक इट वैल्यूएबल अमाउंट, ठीक है, उसके द्वारा ये एक्सेप्ट जरूर किया जाना चाहिए। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेएबल द पर्सन नेम्ड इन द बिल और इन ऑर्डर और द बियरर, ठीक है। कितने स्पेसिफाइड अमाउंट जरूर लिखा होना चाहिए जो आपने उस आपको उस पर्सन ने देनी है, ठीक है। इट स्पेसिफाई द डेट बाय विच द अमाउंट शुड बी पेड, डेट भी होनी चाहिए। इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, और ड्रॉई के द्वारा ये एक्सेप्ट भी जरूर होना चाहिए, ठीक है। पार्टीज कौन कौन सी हैं, 3 पार्टीज हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, ठीक है। ड्रॉअर इज अ पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है, बनाता है। ही इज़ अ पर्सन हु इज गारंटेड क्रेडिट, ठीक है, जिसने गारंटेड किया है, क्रेडिट दिया है टू द पर्सन ऑन हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, ठीक है। इन स्पेसिमेन एग्जाम्पल जो है, जो ऊपर हमें एग्जाम्पल दे रखी है, उसमें ड्रॉअर कौन था, श्री रॉबर्ट बैनर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है, इज अ पर्सन टू हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है, ठीक है। फॉर हिज एक्सेप्टेंस, उसके एक्सेप्टेंस लेने के लिए, एक बार वो राजी हो जाए, ठीक है, एक्सेप्टेंस मीन्स उसकी एग्रीमेंट लेने के लिए, उसे एग्री करने के लिए, ठीक है। ही इज़ अ पर्सन टू हुम क्रेडिट हैज़ बीन गारंटेड, ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको हमने क्रेडिट दी है, गारंट की है, ठीक है। इसमें जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में है, हमारे पास NN दत्त गुप्ता है, ठीक है। पे इज अ पर्सन नेम्ड बिल ऑफ एक्सचेंज टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड, ठीक है, ये वो पर्सन होता है जिसे हमने फ्यूचर में पैसे देने हैं। पे मे बी द ड्रॉअर हिमसेल्फ, वो खुद भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। इन केस ऑफ स्पेसिमेन जैसे ऊपर दे रखा है उसमें श्री राजीव शंकर जी हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के हैं, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ ट्रेड बिल है, ठीक है, हम ट्रेड बिल ही पढ़ेंगे। अब देखो एडवांटेजेस क्या हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। फर्स्ट क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने गुड्स, देखो जो अगर हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये फैसिलिटी है हमें दे रखी है, तो हम ना बिना चिंता किए, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री हुए, हम किसी को भी उधार दे देंगे। क्यों, क्योंकि अगर पैसे ना दिए हम कोर्ट में ले जाएंगे, बंदे को पैसे निकाल देंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिना चिंता किए कोई भी क्या कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स कैन बी सोल्ड और परचेज ऑन क्रेडिट विदाउट डिफिकल्टी विद बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अनकंडीशनल
ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, ठीक है। इसमें ना आपको डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो आप बैंक से भी जाके पैसे ले सकते हो, ठीक है। बैंक जो है वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है, ऑनर करता है। आप बैंक से जाओ, पैसे ले लो 50,000 रुपये और बैंक को अपना बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ाया हो, ठीक है, तो बैंक खुशी खुशी ले लेता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक सो दैट द एंटरप्राइजेज अलाउ द क्रेडिट, ठीक है, रिसीव द अमाउंट इमीडिएटली विदाउट द डेटर हैविंग पे बिफोर द टाइम, ठीक है। अब देखो, जो मिस्टर बी है, जो हमारा डेटर है, जो एन एन दत्त गुप्ता है, ठीक है, वो तो आएंगे पूरे 3 महीने बाद, पर मिस्टर ए जो है उसको आज ही पैसे की ज़रूरत पड़गी, तो वो बिना अपने डेटर की वेट किए सीधा ही बैंक से जाके क्या करवा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। आज ही उसकी जेब में 50,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी देता है, ईजी टू रिकवर द अमाउंट, कहते यहाँ पर हम अमाउंट ईजिली रिकवर कर सकते हैं। कैसे, अगर वो पैसा हमें नहीं देगा, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, हम कोर्ट में ले जाएंगे उसे, ठीक है। इफ़ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर का मतलब वो पर्सन मुकर गया है पैसे देने से, इट इज़ ईजियर टू रिकवर द अमाउंट लीगली देन इन केस ऑफ ऑर्डनरी डेट, ठीक है। ऑर्डनरी डेट का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था, रजिस्टर पर लिखा हुआ है, कोई प्रूफ है नहीं, है ना, तो उस बंदे से सिग्नेचर करवाए हमने नीचे, ठीक है ना, और ना हमने उसे कोई बिल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको केस बताया था, मिस्टर ए जो बिल लेके किसके पास चला गया, अपने फ्रेंड मिस्टर सी के पास, उसने क्या कर दिया, बिल इंडोर कर दिया, ठीक है, अपना बिल किसी और को पकड़ा दिया, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी है इसमें, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी इंडोर टू अदर पार्टीज, ठीक है, हम किसी भी अदर पार्टीज को ये क्या कर सकते हैं, इंडोर कर सकते हैं। डज इट सर्व ऑलमोस्ट द सेम पर्पज एज कैश, ठीक है, और उसी टाइम हमारी जेब में कैश आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी एज टू पेमेंट, ठीक है, इसकी पेमेंट जो है वो सर्टन है, मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट बीइंग सर्टन, डेट ऑफ पेमेंट सर्टन होती है 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने तक हमने वेट करनी है बस। द एंटरप्राइजेस विच हैज़ टू पे एंड दैट विच हैज़ टू बी रिसीव्ड द अमाउंट कैन दस प्लान कैश मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी कैश मैनेजमेंट की प्लान कर सकते हो, ठीक है। आप सोच सकते हो कि चलो इस महीने ना मैंने ना 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज काटे हुए हैं, ठीक है, जिसमें ना मुझे 5 के ऊपर 50,000 रुपया आएगा और टोटल पैसा मुझे कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो 2.5 लाख रुपए से इन फ्यूचर मैं क्या ले लूँगा, ये रॉ मटेरियल तो मेरा उसी पैसे से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, प्लान, फाइनेंशियल कैश प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, इसी के बेस के ऊपर, ठीक है। नो रिमाइंडर ऑफ डेटर, रिमाइंडर डेटर को हमें कोई रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ उसकी वेट कब तक करेंगे, जैसे कि 18 अगस्त 2020 को मैंने आज बैठ के एक बिल काटा 3 महीने का, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड कब ख़त्म हो जाएगा, 18 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, मैंने 3 दिनों से ग्रेस पीरियड दे देने हैं, ठीक है, 21 नवंबर 2020। अब मैंने सिर्फ 21 नवंबर तक उस पर्सन की वेट करनी है, ठीक है। 22 तारीख को तो मैंने उसके पास पहुँच जाना है कि भाई मेरे पैसे नहीं आए हैं, ठीक है ना, फिर मैंने उसे कोर्ट से जाके पैसे लेने हैं कोर्ट में, ठीक है ना। तो डेटर को रिमाइंड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड, रेमिटेंस, ठीक है, ये एक रिमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, आपको जो एक्सचेंज कर सकते हैं हम किसी और को दे सकते हैं, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज कन्वीनियंट मीन ऑफ मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट, ठीक है, बना भी सकते हैं इसमें, मेक भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्रेडिट पे सेल कर दी, ठीक है ना, उधार पे दे दिया और रिसीव कर सकते हैं अमाउंट एज इज ट्रांजैक्टेड थ्रू बैंक, ठीक है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, बैंक आपको रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस वो चेक प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने चंडीगढ़ में बैठ के एक बिल जो है वो मेक किया है और जो पेमेंट है वो हमने दिल्ली में मंगवा ली, ठीक है, तो वो जो बिल है, ये जो पेमेंट, ये रेमिटेंस भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैलिड एविडेंस ऑफ डेट, ठीक है, इसमें आपके पास वैलिड एविडेंट होता है, ठीक है, आपके पास एक रिटर्न में प्रूफ होता है, ठीक है, कि द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है ऑफ डेट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प, इट इज लीगल डॉक्यूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोमिसरी नोट, ठीक है, अब प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन
राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होता ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक रिटन नोट होता है, लिखित में लिखाया जाता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं होती, बाय द मेकर, बनाया मेकर के द्वारा जाता है, और टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली और ऑर्डर टू अ सर्टेन पर्सन बेयरर टू द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो इसमें फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि प्रोमिसरी नोट दस इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इन राइटिंग है बाई मेकर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द स्पेसिफाइड पर्सन, को मैं इतने पैसे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो बनाता है प्रोमिसरी नोट, ठीक है, ये ड्रॉअर जो होता है प्रोमिसर खुद बनाता है, ठीक है। इस केस में क्या था, हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बेचने वाला है, जो सेलर है, जिसके पास इन फ्यूचर पैसे आएंगे, ये तो वो बना रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे इस केस में जो प्रोमिसर होगा ना, वो खुद बनाएगा, ठीक है। ये देखो लिखा है, इट इज़ ड्रॉन और साइंड बाय द प्रोमिसर, ठीक है। ये बनाता कौन है, प्रोमिसर, जो प्रोमिस कर रहा है, ठीक है। एक तरह से ये क्या होता है, ये एक प्रोमिस नोट होता है, प्रोमिसरी नोट इज अनकंडीशनल रिटर्न प्रोमिस होता है। इट इज़ ड्रॉन और साइंड बाय द मेकर प्रोमिसर, इट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ पेई, पेई का नाम लिखा जाता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा इतने टाइम के बाद, ठीक है। स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम होता है, बस इसकी दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। इसमें एक कौन होता है, मेकर होता है, और एक कौन होता है, पेई होता है, ठीक है। मेकर का मतलब जो बना रहा है, पेई जिसको देनी है, ठीक है। वहां पे एक पर्सन ड्रॉअर भी आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टीज, पार्टीज इसमें दो ही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, एक मेकर होता है जो बनाता है, और एक पेई, ठीक है। मेकर इज अ पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस नोट, ठीक है, जो बनाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे मिस्टर ए कौन है, सेलर, सेलर मीन्स चलो मैं हूँ ये, ठीक है। और मिस्टर बी जो है वो एक मेरा बायर है, ठीक है ना, जो सामान खरीदने आया मेरी दुकान पे, ठीक है। मुझे ना इस बी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ठीक है। मैंने खुद बिल बनाया, मैंने लिखा कि मिस्टर बी जो है वो पे ₹50,000 आफ्टर 3 months, ठीक है। मैंने कहा कि ये टू ए, ठीक है, टू मिस्टर ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर बी पे ₹50,000 आफ्टर 3 months टू मिस्टर ए, ठीक है। मैंने खुद लिखा ये, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके सिग्नेचर करवाए, मैंने कहा मिस्टर बी आप ना यहाँ पे सिग्नेचर करो कि आप ये ऊपर लिखी हुई बात मानते हो, वगैरह। तो मैडम मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसके सिग्नेचर करवा लिए और करवा के रख लिए, ठीक है। ये तो था बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो दूसरा का, दूसरी केस आ गया। दूसरे केस में क्या हुआ, मिस्टर ए जो है वो है सेलर, और जो मिस्टर बी है वो कौन है, बायर है, ठीक है। अब ना मुझे बायर के ऊपर पूरा विश्वास है, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। उसने ना कहा कि मैं ना तुझे ना मिस्टर ए मैं ना तुझे 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, जब मर्जी आओ, जब मर्जी दे के जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर बी कहता कि नहीं, मैं तुझे ना प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूँ, ठीक है। तो मिस्टर बी ने खुद लिखा कि मिस्टर बी प्रॉमिस टू पे ₹50,000 आफ्टर 3 months, ठीक है। फिर उसके नीचे उसने अपने साइन कर दिए कि ये ले, मैंने अपने साइन भी कर दिए हैं, ये लो भाई मैं नोट, ये मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, वो मिस्टर ए को दे गया, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब जिसको बी जो है वो खुद लिखता है, ठीक है, और किसको पकड़ा देता है, ए को पकड़ा। ये जो प्रोमिसरी नोट होता है ना, इसमें प्रॉमिस वर्ड लिखा होता है, जैसे यहाँ पे है 3 months आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस वर्ड आता है, ठीक है। टू पे ताराचंद एंड कंपनी और ऑर्डर अ सम, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है, बस उसमें पार्टीज़ का डिफरेंस होता है सिर्फ, ठीक है। पार्टीज एक मेकर होती है और एक पेयर, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉअर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस बता रखा, ड्रॉअर क्रेडिटर इज ड्रॉअर, डेटर इज अ ड्रॉअर, ठीक है। डेटर का मतलब बायर खुद लिखता है, ठीक है। ऑर्डर एंड प्रॉमिस, कहते इट इज ऑर्डर टू पे होता है, इसमें प्रॉमिस टू पे होता है। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई, की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद ही लिख के दे रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ कि मैं तुझे 3 महीने बाद पैसे दे दूँगा, ठीक है। पार्टीज इसमें 3 होती हैं, इसमें 2 होती हैं, प्रोमिसर और पे, इसमें ड्रॉअर, ड्रॉई और ड्रॉई, ठीक है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर अराइज ओनली इफ द एक्सेप्टर डजंट पे, ठीक है ना। कितनी लाइबिलिटी ड्रॉअर की तब मानी जाती है जब एक्सेप्टर पे नहीं करता, ठीक है। ये केस आप आगे जाके देख लोगे, हमारे पास केसेस आएंगे। प्रोमिसर हैज़ द प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे, ठीक है, प्रोमिसर खुद देने आता है।
देखो नोटिंग, नोटिंग का मतलब क्या होता है, जो नोटरी पब्लिक को हमें पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो नोटरी पब्लिक क्या होती है, आपके एडवोकेट्स, ठीक है, आपके वकील जो होते हैं उनको बोलते हैं नोटरी पब्लिक, ठीक है। इन केस ऑफ डिसऑनर, अगर ना देखो अभी मैंने कहा कि 8 अगस्त 2020 को बिल बना, ठीक है, सॉरी 18 अगस्त 2020 को बिल बना, 3 महीने का हमने उस बंदे को टाइम पीरियड दिया, मतलब 18 नवंबर 2020 के बाद हमने 3 दिन ग्रेस पीरियड दे दे, 21 नवंबर 2020, ठीक है। अब 21 तारीख के बाद हमने एक दिन की भी वेट नहीं करनी, हमने 22 तारीख को ही उसके पास पहुंच जाना है कि ला जी मेरा पैसे लेके आ, ठीक है। बट इनकेस वो पैसे नहीं दे रहा तो हम वकील के साथ पहुंचेंगे, वकील का जितना भी खर्चा होगा वो कौन पे करेगा, ड्रॉई खुद पे करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब अगर आपके पैसे नहीं आ रहे, वो पर्सन मुकर गया है, इट इज़ बेटर टू गेट इट नोटेड फॉर द नॉन पेमेंट, ठीक है। इसका अच्छा बात क्या है कि आप उसे नोटेड करवा दो, नोटेड का मतलब आप वकील को लिखवा दो, ठीक है। वकील जितने भी पैसे लेगा इसके बारे में, इसके लिए वो कौन देगा, आपका ड्रॉई ही देगा। इन केस ऑफ नोटिंग इज नेसेसरी, ठीक है, अगर ऐसा केस है तो नोटिंग की ज़रूरत होती है प्रोमिसरी नोट में भी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है कॉपिंग, नेक्स्ट है कॉपिंग। इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स, कहते जो फॉरेन बिल्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन में हैं, 3 कॉपीज़ आर मेड बट अदरवाइज ओनली 1 कॉपी इज़ प्रिपेयर, ठीक है। सिर्फ फॉरेन में ही 3 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, इंडिया में 1 ही कॉपी होती है, ओनली 1 कॉपी यहाँ पे बनाई जाती है। ये देखो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के यहाँ पे नेक्स्ट है स्टैम्प, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक तो होती हैं टर्म्स, जैसे मैंने बोल दिया 1 मंथ आफ्टर, ठीक है, या फिर 60 डेज आफ्टर, ठीक है ना। मैंने आपको डेज में भी बता सकते हैं, मंथ्स में भी बता सकते हैं, आपको टर्म दे दी, ठीक है। बट इन केस ऑन डिमांड है, ठीक है ना, जो देना है और एट साइट देना है, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपका डेट मेंशन नहीं होती, टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता, वो ऑन डिमांड होता है, ठीक है। तो जो ऑन डिमांड होता है उसके ऊपर स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बिल पेएबल ऑन डिमांड नीड नॉट टू बी स्टैंप, बट अदरवाइज स्टैंप्स वुड बी नेसेसरी, ठीक है, बाकी स्टाम्प पेपर पर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड इन एनी केस, ठीक है, इसमें तो चाहे कोई भी केस हो, चाहे ऑन साइट है, चाहे कुछ भी है, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो आपको इस चैप्टर में समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट है ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन होता है, बिल को ड्रॉ करने वाला, लिखने वाला, ठीक है। ये कौन होता है, मोस्टली सेलर, बेचने वाला ही, क्योंकि जब हम किसी की दुकान पे जाएंगे तो वो ही बिल बना के देगा, हम थोड़े ना बनाएंगे, ठीक है। ड्रॉई कौन होता है, बायर, खरीदने वाला, ठीक है, जो क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है कि इन फ्यूचर मैं आपके इतने पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। पे कौन होता है, जिसको हमने पैसे पे करने हैं, ठीक है, और ये जो है वो ड्रॉअर भी हो सकता है, कोई एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, जिसको अगर आपने बिल इंडोर किया है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ये है टर्म्स ऑफ बिल, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि बिल की जो टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि टर्म क्या मतलब होता है, जैसे 3 मंथ्स बिल का कंडीशन है कि 3 महीने बाद देंगे, ठीक है, या फिर 6 डेज आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल होते हैं, कहते बिल पीरियड जो है इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच बिल ड्रॉन, जब बिल बनता है, एंड द ऑन विच द बिकम ड्यू, ठीक है, डेट बनने की डेट से ड्यू की डेट के बीच की जो डेट्स होती हैं, जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ बिल बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, वर्ड आ जाए आफ्टर साइट, ठीक है, वर्ड आ जाए आफ्टर साइट, ठीक है, द टर्म ऑफ बिल बिगिन द रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग, ठीक है। जब वो साइटिंग होता है ना बिल, ठीक है, तब से ही आपने, जैसे कि मान लो कि वो पर्सन ना आपके पास सामान खरीदने आया, वो 1 अगस्त को ही मेरे से सामान लेके चला गया था, ठीक है, पर फिर ना उसने मुझे बोला कि मैडम अपनी ना अकाउंट उसमें लिख लो, रजिस्टर में लिख लो मेरा नंबर, मेरे पैसे, ठीक है, मैंने रजिस्टर पे लिख लिए। फिर उसके बाद ना वो पर्सन ना मुझे बोल के गया कि मैं ना ऐसे करता हूँ, तुझे ना 1 हफ्ते बाद दे दूँगा पैसे आके। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तुम 1 हफ्ते बाद आके दे जाना मुझे पैसे, ठीक है। अब 1 हफ्ता पूरा हो गया, वो आया ही नहीं पैसे लेके, मैंने रजिस्टर पे लिखा हुआ उसका नाम, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तूने पैसे देने थे, 20,000 रुपये हैं, थोड़े बहुत पैसे भी नहीं हैं, तो मुझे पैसे तो आके दे के जा, ठीक है। अब वो पर्सन मुझे क्या कह रहा है,
है, कितने कि मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मैं ऐसे करूँगा तुझे अगले हफ्ते देता हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे अब ना थोड़ा सा जो काम है वो डगमगा रहा है मेरा दिमाग, मुझे मैंने सोचा कि ना ना ऐसे नहीं बात बनेगी, मैं उससे रिटर्न में ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, 1 अगस्त से लेके 1 हफ्ते का टाइम पीरियड मैंने उसे दिया था, अब 8 अगस्त को मैंने क्या बनाया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन होगा बनेगा आफ्टर साइट, ठीक है, वो उसके बाद, ठीक है। सेल तो होगी थी 1 अगस्त को, बिल ऑफ एक्सचेंज बना है 8 अगस्त को, ठीक है। तो यहाँ पे 8 अगस्त से ही जो टाइम पीरियड है वो काउंट होगा, टर्म जो है वो टाइम काउंट होगी, ठीक है। बिल बिगिन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट किया जाता है, व्हेन द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट द टर्म ऑफ बिल बिगिंस, कहता कब शुरू होगी, टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। नेक्स्ट इज़ ड्यू डेट। अब देखो ड्यू डेट क्या होती है, ड्यू डेट का मतलब जिस दिन आपका बिल जो है ना वो ड्यू है फॉर पेमेंट के लिए। अब देखो जैसे कि ना मैंने 18 अगस्त 2020 को बिल बनाया है, तो 3 महीने बाद वो बिल की ड्यू डेट क्या आ गई है, 18 नवंबर 2020 आ गई है, ठीक है। और जब हम इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आगे 21 नवंबर, ठीक है, ये 21 तारीख जो है ये कौन सा है, मैच्योरिटी डेट है, ठीक है, इस दिन आपका बिल मैच्योर होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है डेज़ ऑफ ग्रेस। अब देखो डेज़ ऑफ ग्रेस का मतलब 3 डेज़ एक्स्ट्रा, ठीक है, हम अब उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, 3 दिन और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो उसका बिल जो है वो 18 नवंबर को ड्यू डेट आ गया, उसे 18 नवंबर को आ जाना चाहिए, पर फिर भी नहीं आ रहा, चलो 3 दिन हमने उसे एक्स्ट्रा भी दे दिए, चलो 21 तारीख तक हम उसकी वेट करेंगे कि वो से लेके आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो 3 दिन ग्रेस पीरियड हर एक लीगल डॉक्यूमेंट में दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ मैच्योरिटी, कहते डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज के बाद जो डेट आती है ड्यू डेट में, ठीक है, उसे हम डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग चाहे आप ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट, मोस्टली दोनों एक ही टर्म दोनों चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, ऑफ बिल फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, आपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी है जब भी आपने ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जैसे अब इसने ना हमें एक एग्जांपल दिया है, अब बिल डेटेड 1 जनवरी 2018 को एक बिल बना है, 60 डेज का बिल है, ठीक है। द मैच्योरिटी बिल विल बी, कहते हैं मैच्योरिटी डेट ना इसने ऐसे निकाली है, कैसे निकाली है, अब देखो 31 दिन होते हैं जनवरी में से, 1 दिन निकल गया, कितने दिन बच गए, 30 दिन, 30 दिन तो हमने लेने हैं जैन के, ठीक है, और 28 दिन हो गए हमारी फेब्ररी के। आपने ये देख लेना है कि मंथ ईयर, देखो यहाँ पे तो 2018 है, ये तो लीप ईयर हो नहीं सकता, ठीक है, 2020 लीप ईयर है, ठीक है, तो यहाँ पे 29 डेज़ बना लेने हैं आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने बन गए, 58 डेज़, तो इट मीन्स 2 डेज़ हमें किसके लेने पड़ेंगे, मार्च के, ठीक है, मार्च के बाद 2 डेज़ के बाद 3 डे 2 मार्च के बाद हमने 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारी मैच्योरिटी डेट क्या निकल आई है, 5 मार्च, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने इन डेज़ लिया है, इसी तरह से अगर हम इन मंथ्स लेते हैं, मंथ्स में आपने सीधा ही कैलकुलेट कर देना है, जैसे कि यह बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, डेटेड है 1 जनवरी को बनाया गया है, 1 जनवरी को आपने बिल बनाया 1 जनवरी 2018 को, ठीक है, कितने तक, 3 मंथ्स का बिल है, 3 डेज़ आपने ग्रेस पीरियड ऐड कर देने हैं, तो इसके अप्रैल 4, 2018 इसकी मैच्योरिटी डेट आ गई है, ठीक है। इसमें आपने कोई भी ऐसे नहीं एक्सक्लूड इंक्लूड कुछ नहीं करना, बस इसमें टोटली टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, इफ द मैच्योरिटी डेट फॉलो ऑन द डेट ऑफ पब्लिक डे, पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, ठीक है, तब आपने मैच्योरिटी जो है वो क्या होगी, मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल शैल प्रोसीडिंग द बिजनेस डे, ठीक है। प्रोसीडिंग का मतलब अगर 26 जनवरी है, ठीक है ना, 26 जनवरी को नेशनल हॉलीडेज़ होता है, याद रखने हैं तीनों ही नेशनल हॉलीडेज़, 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये नेशनल हॉलीडेज़ हैं, इसके लिए अगर आप इन दिनों में आपका कोई बिल मैच्योर होता है तो वो 1 डे बिफोर प्रोसीडिंग डेज ऑफ बिजनेस डेज, प्रोसीडिंग कहते हैं बिजनेस डेज, उसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे 26 जनवरी की जगह वो मैच्योर कब होगा, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर की जगह वो मैच्योर कब होगा, 1 अक्टूबर, 15 अगस्त की जगह वो मैच्योर कब होगा, 14 अगस्त, ठीक है। सिर्फ ये 3 ही किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में ये 3 नेशनल डेज को ही काउंट किया जाता है और कोई